इस टॉपिक के अंदर जैसा कि हम मूव करते आ रहे हैं और हमने प्रीवियस टॉपिक में वेरी क्विकली जो है वो इंपोर्ट किया था और वेरी क्विकली जो है वो एक्सट्रूड हमने कर लिया था, इस टॉपिक के अंदर हम जो है वो स्पेसेस क्रिएट करेंगे इनिशियली डोर्स और विंडोज़ की। ऑल्दो बहुत सारे डोर्स और विंडोज़ लगाने हैं तो उसमें अगेन मेन जो डोर्स हैं उनकी स्पेसेस मैं क्रिएट कर लूँगा और जो मेन हमारी विंडोज़ हैं उनकी स्पेसेस क्रिएट करने के बाद हम क्विकली जो है वो उनको प्लेस भी कर लेंगे। ऑलरेडी भी फाइव मरला के प्लान के अंदर डेफिनेटली हम ये काम करके आए हैं 3ds मैक्स के अंदर। यहाँ पे अगेन सेम मैनर में जिस तरह हमने 2D में बहुत क्विक काम किया था तो हम ट्राई करेंगे कि 3D में भी हमारा जो काम है वो जल्दी से हम जो है वो उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करें। सो मेन जो है जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है जो कमांड्स हैं एक्चुअली वो आपने लर्न करनी है। लर्न करने के साथ साथ डेफिनेटली जब आप आगे आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे तो ख़ुद ब खुद आप इन कमांड्स की फर्दर एग्जीक्यूशन और इसकी एप्लीकेशन भी देखते जाएंगे। सो मेनली डेफिनेटली अगेन हम ब्रिज कमांड को यूज़ करेंगे। यहाँ पे ब्रिज कमांड को यूज़ करते हुए सबसे पहले स्लाइस ब्रिज है, उसका प्लेन है, फिर डेफिनेटली उसके व्यूज़ को बदल के विंडोज़ और डोर्स की प्लेसमेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें करने के लिए हम बढ़ते हैं 3ds मैक्स की तरफ ताकि फॉर्मली जो है हम इन तमाम जो कमांड्स हैं इनको एग्जीक्यूट करके देखें। सो ये हमारे पास हमारी जो है वो ड्राइंग है जिसके अंदर 3D में हम काम करते आ रहे हैं, हमारी फाइल है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे कोई एक प्लेन लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें जो है वो अभी ऐसे फील हो रहा है जैसे बिल्कुल हम किसी एटमॉस्फेयर हवा के अंदर लग रहे हैं। तो दिस इज़ लाइक ये मैंने एक प्लेन लगा ली है और सिलेक्शन टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और W हमने ऑलरेडी इस कमांड को एग्जीक्यूट किया है। जब भी हमने मूव करना होगा अलॉन्ग एनी एक्सिस तो हम W की कमांड को गालेंगे। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि हमें ऑप्शंस दे रहा है एक्स वाई जी तीनों एक्सिस में और यहाँ पे हमने इंश्योर करना है कि हमारी जो प्लेन है दैट मस्ट बी ऑन 0 feet and 0 inch। सो एग्जैक्टली प्लेन जो है हमारी वो 0 feet and 0 inch के ऊपर ही है, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। सो इन चीज़ों को देखते हुए अब हम मूव करते हैं फॉर्मली जो हमारा टॉपिक है एंड दैट इज़ इनिशली टू क्रिएट स्पेसिस एंड देन डेफिनेटली फर्दर जब हम आगे मूव करेंगे तो हम इनकी प्लेसमेंट्स भी अभी देखेंगे। सो ये हमारे पास हमारा जो है वो हाउस का ये बिल्डिंग लाइन है। अगेन इससे बाहर हमारी प्रॉपर्टी लाइन भी थी जिसको हमने अभी इंक्लूड नहीं किया। ये हमारी जस्ट विद इन जो है जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ है। सो ये हमारे पास जो है हमने एक मटीरियल अप्लाई भी किया था, इसको आगे जाके हम दोबारा सेटिंग्स में मज़ीद चेक भी करेंगे। सो यहाँ पे हम जो है वो सबसे पहले जब भी हमने कभी भी विंडोज़ लगानी होंगी या स्पेसेस निकालनी होंगी सो उससे पहले जो फर्स्ट कमांड है दैट इज़ स्लाइस प्लेन। यानी अब विंडो है फॉर एग्जांपल ये से मेरे पास ये ड्राइंग रूम है तो अब विंडो जो है वो एक सर्टेन ये विंडो की प्लेस है एक्चुअली, बट विंडो सिल लेवल से स्टार्ट होती है और लिंटल लेवल कहीं एक जगह पे जाके एंड होती है। सो इट मींस विंडो की प्लेस दरमियान में कहीं बनती है तो उसके लिए जो है हमने पहले भी इस्तेमाल की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है एंड दैट कमांड एक्चुअली इज़ स्लाइस प्लेन। हम तोड़ेंगे दीवार को मल्टीपल पार्ट्स में तो इसके लिए जो है हमने वापस अगर हम आए जहाँ पे हम आए क्रिएट स्पेस और ये हमारे पास मॉडिफाई है, मॉडिफाई की लिस्ट में हमारे पास एडिटेबल पोली की ऑप्शन है। ये वो ऑप्शन है एक्चुअली जिसमें हम वर्क करते आ रहे हैं। अगर इनकेस आप जब डायरेक्ट क्रिएट पे क्लिक करें तो ये ना आए, अगर नहीं आ रही तो फिर मॉडिफाई में एडिटेबल पोली दिस वन दिस ऑप्शन यू कैन फाइंड दिस वन। और एडिटेबल पोली में हमने पहले भी देखा था वर्टिक्स हैं एज है तो ये भी हमारे पास यहाँ पोलीगॉन की ऑप्शन है। अब हम चाहें तो स्लाइस प्लेन हम पूरी जो है वो हाउस को भी इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि तमाम हाउस के अंदर विंडोज़ तो नहीं लगनी और नॉर्मली कुछ ऐसी विंडोज़ भी होती हैं जिनका हम सेल लेवल चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर विंडो सेम सेल लेवल से स्टार्ट हो। सो हम फिर वन बाय वन स्पेसेस क्रिएट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास जो है हमारे पास एडिटेबल पोली है, इसमें से हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल मैं इस दीवार को सिलेक्ट करता हूँ और अब यहाँ पर जो कन्फ्यूजन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन दो दीवारों को सिलेक्ट करके स्लाइस करते हैं तो ये दरमियान वाला पोर्शन ब्रिज नहीं होता बाद में। सो आपने इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जो है वो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और इनका इनर पोर्शन भी ताकि ये वाला भी स्लाइस हो जाए, ये वाला टूट जाए क्योंकि एक्चुअली इनफैक्ट दरमियान में मिलना तो फिर इन दोनों ने है। सो ये हमने क्या किया है दोनों को जो है एडिटेबल पोली और ये हमारे पास पोलीगॉन के ऑप्शन से सिलेक्ट किया है इनर पोर्शन को भी और आउटर पोर्शन को भी। और अब यहाँ से हम नीचे आते हैं और हमारे पास ऑप्शन है स्लाइस प्लेन। जैसे ही मैं स्लाइस प्लेन पे क्लिक करता हूँ तो आप नोट करें ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट उसने
5 फीट पे स्लाइस प्लेन दिया, आपने स्लाइस प्लेन पे क्लिक करने के बाद नीचे एक्सिस में आ जाना है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जी एक्सिस है। सो अब डिपेंड ये करता है कि ये जो हम विंडो लगाने जा रहे हैं इस विंडो को हमने कितना सेल लेवल रखना है। तो नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो 3 फीट है, लेकिन 4 फीट, 5 फीट, 1 फीट, 2 फीट, लेकिन आजकल ऐसी दीवारें भी हम जिस तरह बात कर रहे थे जिसमें टोटल ग्लास की विंडो हम लगाते हैं। सो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट एक्चुअली जो वो चाह रहा है। सो फॉर द टाइम बीइंग हम इसको 3 रख लेते हैं कि 3 फीट जो है वो हमारा, और जैसे स्लाइस प्लेन पे क्लिक करके 3 फीट लिखा, साथ ही हम स्लाइस क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने स्लाइस क्लिक किया, आप नोट करें 3 फीट के ऊपर, ये आप अगर यहाँ से आप लाइन देखें, दिस वन एंड दिस वन, सो 3 फीट के ऊपर जो है वो हमारी फर्स्ट जो है वो टूट चुकी है, ब्रेक हो चुका है। अब दोबारा हम स्लाइस प्लेन पे क्लिक करते हैं और मज़ीद जो है स्लाइस प्लेन पे क्लिक करने के साथ हम इसको 9, अब अगला स्लाइस प्लेन स्टार्टिंग विंडो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड विल एंड सपोज 10 फीट हमने इसकी हाइट रखी थी, तो हम 9 फीट रख लेते हैं। सो 9 फीट पे हम दूसरा स्लाइस, तो आप नोट करें अगर, तो अब इनफैक्ट अगर हम दोबारा वापस जाएं और पॉलीगॉन को सिलेक्ट करें, सो दिस इज वन पोर्शन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, और सेम इज द केस ऑन दिस साइड एज वेल। अब ये हमारे पास विंडो की स्पेस क्रिएट हो चुकी है, नाउ थिंग्स आर क्वाइट ईजियर हमारे लिए, अब कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसके फौरन बाद हमने अब विंडो दरमियान में लगानी है, उसके साथ बाकी चीज़ों को हम ब्रिज कर देंगे। सो ब्रिज करने के लिए क्या करना है, आपने इनर पोर्शन को सिलेक्ट करना है, दिस वन, और ये डेफिनेटली आप अपनी जो है वो डायरेक्शंस को रोटेट करेंगे कंट्रोल का बटन प्रेस करके। इस साइड पे ये वाली साइड है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके, और सेम हम इस साइड पे जो है वो ये वाला पोर्शन है और ये टॉप है, ये हमारे पास सिलेक्ट हो गए हैं। सिलेक्शन के बाद ऑल यू नीड टू डू इज टू ब्रिज, आप जैसे ही ब्रिज करते हैं ओके करते हैं, इसके आपने टिक के बटन पे चेक करना है। अब आप नोट करें तो क्या हुआ है कि हमारा जो है वो पोर्शन ब्रिज हो चुका है और उसके अंदर विंडो की जो प्लेस है वो हमने निकाल ली है। ये हमने एक विंडो की प्लेस निकाली है, क्विकली जो है हम इसके साथ एक और विंडो की, और फिर हम जो है वो एक दो डोर की, एंड देन डेफिनेटली विल बी प्लेसिंग। इस साइड पे आ जाते हैं, सो एक जो है हम इस साइड पे आके लगा लेते हैं और फिर हम क्विकली एक डोर लगा लेंगे ताकि हमारे लिए जो है वो आसान हो जाए। सो दिस वन, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये सेकेंड मेथड क्योंकि हमने इनको ही करना है, और एक हम इस साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड ऑल वी नीड टू डू इज हम यहाँ पे जो आकर है, ये हमारे पास ऑप्शन है स्लाइस प्लेन, और इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, पहली से 2 फीट के ऊपर फर्स्ट स्लाइस कर लेते हैं, और सेकंड जो है वो स्लाइस हम दोबारा कर लेते हैं, और एक स्लाइस जो है विल हम 8 पे करके देख लेते हैं, चलें उसको हमने 3.9 किया था, इसको 2.8 और स्लाइस प्लेन, और अब हम चेक कर लेते हैं तो हमारे पास वापस आ जाते हैं, एंड ऑल वी नीड टू डू इज दिस वन, यस, एंड कंट्रोल दिस वन, और इस साइड पर जो है वो दिस वन एंड दिस वन, सो इसको हम कर देते हैं यहाँ से ब्रिज। तो ये हमारे पास ये वाली कम ऑप्शन हो गई, और ये हमने 2 विंडोज़, बाकी विंडोज़ आसानी होगी लगाना। एक हम जो है वो वेरी क्विकली अंदर से डोर लगा लेते हैं, और ये हमारे पास चले एक ये वाला डोर था, इसको ही हम लगा के देख लेते हैं, और इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, इसके इनर पोर्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और अब आपने देखा होगा आसानी हो जाएगी आपके लिए। आप अब डोर क्योंकि हमारा एक ही सेल लेवल होता है, डोर स्टार्ट हम डेफिनेटली यहाँ से कर रहे होते हैं 0 से, तो एक ही जगह पे हम इसको जो है वो स्लाइस करते हैं, एंड ज़्यादातर जो है वो 7 फीट पे ही हो रहा होता है अगेन, सो स्लाइस प्लेन, और इसको हम 7 फीट से जो है वो स्लाइस कर लेते हैं, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी 7 फीट। सो दिस वन एंड स्लाइस, सो हम देखें तो ये स्लाइस हो चुका है, सो इसको जो है हम वापस आते हैं टॉप में, और ये हम देखें तो हो चुका है स्लाइस, सो इसको और इसके अपोजिट कॉर्नर जो है हमारे सामने जो नज़र आ रहा है, एंड दैट इज़ दिस वन, इसको कंट्रोल प्रेस करके रखें और हम इसको ब्रिज कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास हमने जो है वो ऑलरेडी भी की थी, मल्टीपल स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं फर्दर डेप्थ में डिटेल्स में नहीं जा रहा, अब बाकी जो हैं जो नज़र आ रही हैं रेस्ट ऑफ द प्लेसेस, डोर्स और विंडोज़ ही हैं मेनली, तो वो आप खुद से क्रिएट करेंगे। अब हम जाते हैं इनकी प्लेसमेंट्स की तरफ, डोर्स और विंडोज़ को, तो हम स्टार्ट यहाँ से ले लेते हैं और फिर वन बाय वन हम बाकी विंडोज़ को, सो आल्ट डब्ल्यू हम प्रेस करेंगे, ताकि हमने पहले भी इस तरह की डिस्कशन की थी, जब भी हमने विंडोज़ लगानी होंगी कोई भी चीज़ हमने लगाने की तरफ जा रहे हैं, सो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि उसको हम अपने जो है वो टॉप फायर फ्रेम व्यू के अंदर लगाएं। सो यहाँ पे जो है क्रिएट में हम आते हैं, ये हमारे पास एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स है, और विंडोज़ के अंदर हमने आके विंडोज़ लगानी है। सो यहाँ पे जो है हम डिपेंड करता है कौन सी, सपोज
सबसे पहले हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स मौजूद हैं, जिस तरह की टाइप आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, बट ऑप्शन ये है जब विंडो आपने यहाँ से लगानी है। और अब देखिए मैं क्लिक करने की ट्राई कर रहा हूँ बट मुझे कॉर्नर नहीं मिल रहा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि हमारे स्नैप टूल्स जो हैं दैट मस्ट बी ऑन। बाज़ूकात स्नैप्स ऑन भी होते हैं और वो कॉर्नर पॉइंट नहीं पिक कर रहा होता, तो उसकी रीज़न भी है कि यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करें और इसको अगर आप चेक ऑफ कर दें और अब आप करें तो स्नैप ऑन है बट वो वर्क नहीं कर रहा। सो यू नीड टू इंश्योर कि आपके स्टार्ट एंड और मिड पॉइंट जो है दैट मस्ट बी ऑन। आपने यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करनी है, माउस को आप प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे आके आप ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे और नीचे तक जहाँ पे आपने एंड करना है दिस स्क्रीन के ऊपर आप क्लिक कर लें। सो ये एक विंडो जो है वो प्लेस हो चुकी है। सेम इज़ द केस विद सेकेंड, आप यहाँ पे कोई नई विंडो जो है किसी भी तरह की, फॉर एग्जांपल आप फिक्स टाइप लगाना चाह रहे हैं तो आप वो वाली लगा सकते हैं, या आप सेम अगर लगाना चाह रहे हैं सो हम फिक्स करके देख लेते हैं यहाँ पे। सो ये हमारे पास ऑप्शन है और यहाँ पे आके इसको ड्रॉप कर देंगे एंड टिल दिस पॉइंट। सो यहाँ पे हमारी विंडोज़ जो हैं वो प्लेस हो चुकी हैं। सिलेक्शन टूल को हम फिलहाल पिक कर लेते हैं और आल डब्ल्यू करके हम वापस आएँ तो हमारे व्यू के अंदर आप नोट करें सो विंडोज़ प्लेस हो चुकी हैं बट अभी हाइट जो है वो एडजस्टेड नहीं है। अगर आप इसकी देखें तो काफ़ी बड़ी हाइट में ये जो है वो विंडो नज़र आ रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डील कर लेते हैं फिर हम उसकी तरफ जाते हैं। सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें और इसके मॉडिफाई में जाएं तो ये हमारे पास अभी जो है दैट इज़ 21 फीट और काफ़ी ज़्यादा हाइट है। सो लेट्स मेक इट 6 क्योंकि हमने 6 फीट की विंडो की थी, तो आप नोट करें 6 की हो चुकी है। डब्ल्यू आप प्रेस करके इसको सेलेक्ट करके एक्सेस इसके ऑन कर लें ताकि हमारे लिए सेल लेवल डिटेक्ट करना आसान हो जाए। सो यहाँ सेल लेवल 3 फीट था तो हम 3 फीट कर लेते हैं। मज़ीद चेंजेस हम इसमें कर लेते हैं बाद में, पहले हम दूसरी विंडो को फिक्स कर लें। अब इसके देखें तो हाइट काफ़ी ज़्यादा लग रही है और लेट्स चेक दिस हाइट एंड दैट इज़ 67 फीट एंड फ्यू इंचेस। सो लेट्स मेक इट 6 फीट अगेन, ये भी 6 फीट ही थी। अब इसका सेल लेवल जो था इफ़ यू रिमेंबर दैट वाज 2 फीट, हमने चेंज किया था, एक 3 फीट रखा था एक 2 फीट। सो 2 फीट के ऊपर हम इसका सेल लेवल रखेंगे और ये भी फिक्स हो चुकी है। दोनों विंडोज़ प्लेस हो चुकी हैं। अब इस विंडो के अंदर से लेट्स सपोज हम जो है वो किसी भी तरह का इसको सेलेक्ट करके इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ नीचे आएँ तो ये ओपन है। सो लेट्स मेक इट 70% ओपन अगर हम करते हैं तो हम चेक करते हैं, आप नोट करें तो ये टोटली काफ़ी, आप नोट करें अंदर इसका पैनल जो है वो ओपन हो चुका है, यहाँ से बहुत क्लैरिटी के साथ आपको नज़र आ रहा है। सो इट डिपेंड्स कि आप कितना रखना चाह रहे हैं। अगेन आपके से हम 50 इसको 40% पे लेके आते हैं और इसके बाद आपके पास पैनल विड्थ की ऑप्शन है। सो ये बहुत सारी ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल विड्थ है, आपकी वर्टिकल विड्थ है, थिकनेस है, यस यू कैन स्लाइटली चेंज, सेम इज़ द केस विद दिस वन एज वेल। और ये क्योंकि हमने फिक्स्ड अपने टाइप विंडो लगाई थी तो इसके अंदर भी यू कैन सी फर्दर ऑप्शंस। अब हम क्विकली जो है वो डोर्स की तरफ, और एक डोर हम सामने वाला भी लगा के रख लेते हैं ताकि हमारा जब रेंडर हो तो कुछ स्लाइटली हमारे लिए जो है वो चीज़ें आसान हो। सो यहाँ पे अगर हम जो है वो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, सो वापस आते हैं और ये हमारे पास एडिटेबल पोली है और इसमें से हम इसको भी जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस वन एज वेल एज, और कंट्रोल प्रेस करके दिस वन, और यहाँ पे जो है हम इसको भी स्लाइस प्लेन करते हैं और स्लाइस प्लेन के लिए हम जो है लेट्स मेक इट अगेन 7 फीट ओके है क्योंकि ये भी दरवाज़ा भी 7 और स्लाइस, तो हम इसको भी जो है वो इंश्योर कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करें इसको अनचेक कर लें और दोबारा चेक करें तो लेट्स मेक इट ब्रिज ताकि हमारे लिए आसान हो जाए किसी भी तरह का वर्क करना। सो ये हमारे पास जो है वो हमने फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया और इसके साथ हम एसोसिएटेड जो है वो अपना सेकंड कॉर्नर भी पिक कर लेते हैं ताकि हमारे लिए जो है वो आसान हो जाए चीज़ें। और यहाँ पे जो है हम इसका सेकंड कॉर्नर भी पिक कर लेते हैं एंड दिस वन, और ब्रिज कर देते हैं इसको यहाँ से। तो अब हमारे पास दो डोर्स हैं और इनको भी हम क्विकली सेम आल्ट डब्ल्यू एंड ऑन दिस व्यू, यस दिस इज़ वन डोर। सो ऑप्शंस जो हैं वो सिमिलर, हमने डोर्स में आ जाना है और स्लाइडिंग लगाना है तो हम यहाँ पे स्लाइडिंग लगा लेते हैं विंडोज़ की तरह, सेम इज़ द केस विद डोर्स। एक डोर हमने ये वाला लगाया और एक डोर जो है हमारा स्टार्ट में हमने इसको प्लेस किया। सो एक जो है डोर हम यहाँ पे लगा लेते हैं और ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए और ये क्लिक कर लेते हैं। सो दोनों डोर्स जो हैं हमने प्लेस कर लिए हैं। ऑल वी नीड टू डू इज़ यहाँ पे सिलेक्शन के ऑप्शन को जो है वो पिक कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं। तो दोनों डोर्स हमारे पास मौजूद हैं, हाइट्स अगेन ज़्यादा कम हो सकती हैं। सो हम पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जो है मॉडिफाई में आके इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा उसने पिक की हुई है, दैट इज़ 59 समथिंग। सो लेट्स मेक इट 7 फीट,
तो ये 7 फीट बन चुका है और इसको हम W प्रेस करके और यहाँ पे क्योंकि डोर है तो 0 फीट से स्टार्ट होगा इसका, तो ये एडजस्ट हो चुका है। एंड सेम इज़ द केस ये वाले पास, हमारे पास डोर था दिस वन और इसको जो है हम इसकी हाइट उसने कम पिक की हुई है, सो इनिशली जो है हम इसको 7 फीट कर लेते हैं और 7 फीट के बाद जो है वो हम मज़ीद इसको सेलेक्ट ऑलरेडी हुआ हुआ है एंड लेट्स मेक इट 0 फीट एज वेल। सो ये भी डोर हमारे पास एडजस्ट हो चुका है। अब इनकी फर्दर जो है वो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं इनको एडिट करने की, फॉर एग्जांपल आप इस पर क्लिक करते हैं सो ये आपके पास जो है वो फ्रेम्स हैं, फ्लिप साइड है अगर आप चाहते हैं तो इसको आप ओपन कर लें, और ओपननेस है तो लेट्स मेक इट अगर 40% पे हम लेके आते हैं तो आप नोट करें वन साइड इसकी ओपन हो रही है, और अगर हम इसको 50-60 क्योंकि स्लाइडिंग था स्लाइड हम करते जा रहे हैं, जितना आप इसको स्लाइड करते जाएंगे आप थिकनेस चेंज कर सकते हैं, आप विड्थ चेंज कर सकते हैं, आप हाइट, सो बाकी ऑप्शंस मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये भी डोर है। इसी तरह आपने नेक्स्ट जो बाकी तमाम डोर्स हैं विंडोज़ हैं उसको ख़ुद से कंप्लीट करेंगे, जितने अच्छे डोर्स और विंडोज़ लगाएंगे उसकी फर्दर आप इन ऑप्शन में वर्क करेंगे उतना ही आपके लिए जो है वो डिज़ाइन भी अट्रैक्टिव होता जाएगा और काम करना भी आसान होगा। इस टॉपिक के अंदर हमने डोर्स और विंडोज़ को जो है वो स्पेसेस क्रिएट किए हैं और प्लेसमेंट्स किए हैं क्विक वे में किए हैं ताकि आप ख़ुद से अपनी प्रैक्टिस असेस भी करें और आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतने ही डिज़ाइन आपके लिए अट्रैक्टिव भी बनते जाएंगे और अच्छे भी बनते जाएंगे।